आइडियल या वॉटलेस करंट। हमने अभी एलसीआर सर्किट किया। एलसीआर सर्किट में हमने क्या किया कि ये मान लो किसी भी इंस्टेंट पर वोल्टेज है ई आरएमएस है और ये आई आरएमएस है और दोनों के बीच में एंगल कितना है फाई। ऐसे किया, एलसीआर में फाई एंगल होता है। करंट के अगर मैं कंपोनेंट लूँ तो एक कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट साइन कंपोनेंट है। कंपोनेंट्स ले लिए। अब ये बताओ एवरेज पावर एलसीआर में होती क्या है, ई आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई, यानी कि आई आरएमएस कॉस फाई पावर में कंट्रीब्यूट करता है, करता है, क्योंकि एवरेज पावर का फॉर्मूला ई आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई है। लेकिन ये जो करंट है आई आर एम एस साइन फाई, ये वोल्टेज के साथ एंगल क्या बना रहा है 90, और जब वोल्टेज करंट में एंगल 90 है तो पावर में कंट्रीब्यूशन नहीं होती। तो कौन सा करंट पावर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, आई आर एम एस साइन फाई। करेक्शन करो, यहाँ पे साइन फाई करो तो वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट कौन हुआ जो पावर में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, जिसकी वैल्यू क्या है आई आर एम एस साइन फाई। करेक्शन कर लो, तो वॉटलेस करंट वो करंट है जिसकी पावर में कंट्रीब्यूशन क्या रहती है जीरो। तो पावर के फॉर्मूले में कॉस तो आता है, पावर के फॉर्मूले में साइन नहीं आता। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ये वॉटलेस करंट है।